नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। रीवा में अग्निपथ योजना को लेकर रीवा पुलिस हाई अलर्ट पर। एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर पूरे शहर में रेलवे स्टेशन में शहर के चप्पे चप्पे चौराहे पर बस स्टैंड में कर रहे पेट्रोलिंग, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। वहीं बाहर से आने वाले युवकों से भी ले जा रही है जानकारी। अग्निपथ को लेकर फैले भ्रम के संबंध में दी जा रही है लोगों को समझाइश। संवाददाता राजीव तिवारी की रिपोर्ट। पिछले 5 दिनों से लगातार, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, कि हम लोग सुबह से लेके यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, जहाँ बड़ी संख्या में जो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इकट्ठे होते हैं, इसके बाद वहाँ GRS कॉलेज ग्राउंड पे, NCC ग्राउंड पर, इसके अलावा चौराटा के पास भी एक पिकनिक ग्राउंड है, वहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। इनके अलावा भी पूरे रीवा ज़िले में जगह जगह पर बच्चे कहीं सड़क पर, कहीं ग्राउंडों में, मैदानों में आपको दौड़ते हुए नज़र आ जाएंगे सुबह शाम। तो हमने पूरे जिले में सभी थाना प्रभारी, सभी SDP साहब लोगों को बता के रखा हुआ था कि आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्थाओं को ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवक को गुमराह ना कर सके और उसके एनर्जी का, उसकी ऊर्जा का दुरुपयोग ना कर सके और शासकीय संपत्ति को, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, उसको नुकसान पहुँचाए। ऐसा करके उनको समझाई दी गई। लगातार हमारे SP कलेक्टर साहब भी भ्रमण करते रहे और बार बार मिलते रहे। एक दिन अभी पिछले 3 दिनों में हमारे SP साहब, कलेक्टर साहब भी करीब 3-4 बार जाके यूनिवर्सिटी ग्राउंड में भी बच्चों से मिले हैं, उनको समझाई दी। जैसे कि कल शाम को भी SP साहब, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और हमारे SDM, मैं स्वयं, हमारे बहुत सारे अधिकारी गए थे ग्राउंड में और करीब नहीं 400-500 बच्चों को वहाँ इकट्ठा करके समझाई दी गई थी कि आप लोग अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे राष्ट्रीय क्षति भी हो और आपका भविष्य भी अंधकार में पड़ जाए। उसके बाद आज सुबह से 5 बजे से ये व्यवस्था भी लगाई गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर, साथ में सिरमौर चौराहे पर, कॉलेज चौक पर, दोनों बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, कलेक्ट्रेट में, सभी जगह पर अभी टोटल 24 घंटे मुस्तैद व्यवस्था लगी हुई है। इसके अलावा सभी देहात क्षेत्रों में भी सभी थाना प्रभारी मुस्तैद हैं। करीब नहीं होगा तो 50 से ऊपर मोबाइल पार्टियां देहात और शहर में मिलके चलाई जा रही हैं। शहर में करीब 20 के आसपास मोबाइल पार्टियां होंगी जो अभी लगातार मूवमेंट में हैं, और करीब न होगा तो 200 के आसपास का फोर्स लगा होगा जो सब समझाइश भी दे रहा बच्चों को, जहाँ मिल रहे हैं। सारे कोचिंग संस्थान वालों से भी लगातार बातचीत हुई। कल रात में भी मेरे और SDM के द्वारा उनकी बैठक ली गई थी पुलिस कंट्रोल रूम में और उनको आवश्यक समझाइश दी गई थी। पूरे जिले में अभी तक किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति नहीं है। युवाओं से अनुरोध है कि वो किसी भी ऐसी साजिश का शिकार ना हो, किसी भी ऐसे बहकावे में ना आए जिससे उनके भविष्य को खतरा हो, नंबर 1। नंबर 2, किसी शासकीय संपत्ति को नुकसान हो, कहीं भी कहीं कोई बात आती तो सीधे संपर्क करें प्रशासन के अधिकारियों से, चाहे वो राजस्व विभाग के हों, SDM साहब हों, कलेक्टर साहब हों या मुझसे, SP साहब से। सब खोल के रखा हुआ है, सारा ओपन कर रखा है चैनल, कि बातचीत करें और किसी भी तरह का प्रदर्शन ना करें। धन्यवाद।